रुको, ऐसे क्यों भाग रहे हो? नहीं नहीं रुक सकता दीदी। बड़े भैया के साथ दौड़ लगानी थी ना, उसका अभ्यास कर रहा था। पता है जो जीतेगा उसको ताई जी के हाथ की बनी हुई खीर मिलेगी। वाह, मेरी चाची के हाथ की खीर, फिर तो मैं भी दौड़ में हिस्सा लूंगा। मैं भी। मैं नहीं। क्यों, आप क्यों नहीं? मैं जानता हूँ कि माँ के हाथ की बनी खीर सबको पसंद है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि माँ हम सबको खीर खिलाएगी, चाहे कोई हारे या जीते। तो आपस में हमें मुकाबला करने की क्या जरूरत है? लगता है मुकाबले से पहले ही डर गया। अरे हाँ, तो बोल के देखना यीशु। अरे यीशु भैया, खेलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। अरे दोस्त, अब सोच क्या रहे हो? हाँ कर दो ना। हाँ यीशु भैया, इस बार आप बड़े भैया को जरूर हराना। हर बार वो बेमानी कर कर आपसे जीत जाते हैं। इस बार मैं देखती रहूंगी कि वो कोई गड़बड़ ना करे। हाँ कर दो ना भैया। हाँ कर दो ना यीशु भैया। ठीक है। यीशु, आज तुझे खीर नहीं, धूल चटाऊंगा।